नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? आरआरबी के द्वारा एएलपी की वैकेंसी जारी कर दी गई है। हालांकि अगर पिछले दरमियान की बात करें, वर्ष 2018 में जहां पे 26-27 हज़ार वैकेंसी थी, इस बार वैकेंसी बहुत ही कम देखा जाए तो केवल 5 हज़ार, लगभग 5700 वैकेंसी आप बोल सकते हो, और ये कहीं ना कहीं बहुत कम वैकेंसी है। हालांकि अब आपके सामने जो भी वैकेंसी आई है, हमें तैयारी तो करना पड़ेगा और हमें इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा और हमें सिलेक्शन भी लेना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप में से कौन इस बार एलिजिबल हो, क्या इस बार कुछ छूट दी गई है? जो पिछला 2018 के बाद से 23-25 साल का गैप है, इसमें कहीं आपको कोई छूट दी गई है या नहीं दी गई है, या दी जाएगी, इन सारी बातों की भी हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आप एलिजिबल हो कि नहीं। तो आपने अभी देखा होगा कि ये सबके पास, आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई होगी कि 5696 लगभग 5700 पदों पर एएलपी। हालांकि अगर पिछली बार की हम लोग कंपेयर करें तो 17600 वैकेंसी लगभग एएलपी की थी और लगभग 8800 वैकेंसी टेक्नीशियन की थी। अभी इन्होंने टेक्नीशियन का कोई भी जिक्र नहीं किया है। ये टेक्नीशियन और एएलपी हमेशा साथ आती है क्योंकि दोनों का पेपर क्या होता है, एक होता है। कई सारे बच्चे, कई सारे लोग इसे कई बार फेक और रियल पे भी बहुत सारी इस पे चर्चाएं हुई हैं। अभी मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये वैकेंसी कहीं ना कहीं 99.99% सही है और 20 तारीख को आपके सामने भी आ जाएगी, इसके फॉर्म फिलिंग चालू भी हो जाएंगे। क्या है, कौन इसमें आवेदन कर सकता है, इसके बारे में एक एक डिटेल मैं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एलिजिबिलिटी के संदर्भ में, और इसके जस्ट बाद में दूसरी वीडियो भी आपके लिए लेके आऊंगा। वो वीडियो आपके लिए पूरे सिलेक्शन प्रोसेस का होगा, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगी। तो क्या आप असिस्टेंट लोको पायलट जो है 5696 पद है, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। टीम परीक्षा प्लस इसके लिए बहुत बेहतरीन कोर्स भी लेके आई है, पूरा CBT1 CBT2 पूरा कंप्लीट जो कोर्स है आपका, वो मात्र 499 में अभी ऑफर में चल रहा है। रजिस्ट्रेशन इसके चालू हो गए हैं, आप इसे परचेज कर सकते हो परीक्षा प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर पे जाके, या फिर आप हमारी वेबसाइट liveparikshaplus.org पे जाके इसे क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। मात्र अभी ये 499 में है। हालांकि आते हैं, सबसे बड़ी बात है कि कोर्स परचेज सब कुछ बाद में रहेगा, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं, एलिजिबल हैं या नहीं, सबसे बड़ी बात है, हम इस चीज को देखते हैं। तो एलिजिबिलिटी इसका देखते हैं, ये सारी तमाम चीजें हैं, राष्ट्रीय नागरिकता, उम्मीदवार, भारत का नागरिक, नेपाल का मूल, ये सारी चीजें सेम है, वो इससे मतलब नहीं है। मेन आते हैं कि आखिर आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए। तो आपकी जो आयु सीमा है बच्चों, वो आयु सीमा, हाँ, अगर मैं आयु सीमा की बात करूं तो आयु सीमा आपकी 18 से 30 साल। अगर मैं इसे पिछले वर्ष की वैकेंसी से कंपेयर करूं, पिछले वर्ष की वैकेंसी से कंपेयर करूं तो ये जो आयु सीमा थी वो कितनी थी, केवल और केवल 28 साल थी। इस बार ये कितनी है, इस बार 30 साल है, तो 2 साल बढ़ाई गई है। तो ये कह सकते हो कि एज रिलैक्सेशन दिया गया है 2 साल का, या 2 साल आयु सीमा बढ़ाई गई है, इसे आप जो भी समझो, बट इस बार, पिछली बार 28 साल थी, इस बार 30 साल है। लेकिन फिर भी 5 साल के गैप में आप 2 साल बढ़ा तो दिए, तो जो 3 साल के गैप में बच्चे हैं उनका क्या होगा, इसके लिए जरूर कुछ ना कुछ आपके लिए बताया जाएगा। फिर भी आयु सीमा आपकी क्या है, 18 से 30 साल है, मतलब जो कट ऑफ डेट अगर इसमें देखो तो इन्होंने क्या लिया है, इन्होंने 2/7 लिया है, 2 जुलाई से लेंगे, ठीक है। जुलाई की वजह से कई सारे बच्चों को फायदा भी हो जाता है, लेकिन कई सारे बच्चों को क्या होता है, नुकसान भी हो जाता है, यह बहुत बड़ी बात है। हालांकि हमेशा जो न्यू कमर्स होते हैं उनका नुकसान है, जो जा रहे होते हैं उनका फायदा होता है। तो ये आयोग भी ये सोचता है कि भाई जिसकी ओवर एज हो रही है उसको पहले प्राथमिकता दी जाए, जिसकी अभी एज है उसको तो दोबारा चांस मिल जाएगा, बट आप 5-7 साल बाद ऐसे तो आप सब प्राइवेटाइज करने के फिराक में रहते हो, तो क्या उम्मीद है कि जिन बच्चों को अभी मौका नहीं मिल रहा है, अगले 4-5 साल में आप वैकेंसी ले आओगे, फिर उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या कब लेके आओगे? हर साल वैकेंसी आए तब तो समझ में आती है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप 5 साल बाद वैकेंसी लेके आते हो तो ये कहीं ना कहीं एक एडवर्स, ये गलत तरीका है। 2/7 इन्होंने जो जुलाई है वो कट ऑफ डेट रखेंगे, और अगर 18 से 30 देखा जाए तो 2023 में आप 30 माइनस कर लो, 2018 में आप माइनस कर लो, ऐसे आप 2003 और आप 1993, ये आपका जो होगा ये आपकी कट ऑफ डेट रहेगी। न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमा सभी अधिसूचित पदों के लिए समान होंगी, इसका आकलन 1/7/2024 की तिथि के अनुसार किया जाएगा। हालांकि इसमें 1/7 दिया हुआ है, पिछली बार 2/7 लिए थे, अब देखते हैं 1/7 है या 2/7 है, उसमें आप लोग का एक ही में आएगा या नहीं आएगा। स्केल ऑफ पे एक बार देख लेते हैं, स्केल ऑफ पे इसमें लेवल 2 पे रहता है, 19,900 रहता है।
एज आपका 18 से 28 एज 1/7/2018 को ही दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कौन कौन लोग आवेदन कर पाएंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहला तो आपका उम्र की जो क्वालिफिकेशन है वो 18 से 30 साल के बीच में होने चाहिए। दूसरा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या सर मैंने 10th किया है मैं एलिजिबल हूं, क्या सर मैंने 12th किया है पीसीएम से मैं एलिजिबल हूं। तो बेटा केवल 10th और केवल 12th बेसिस पे आपका एलिजिबिलिटी नहीं है, ये बात समझना। अगर आपने 10th किया है तो 10th के साथ आपके पास क्या होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए। और आईटीआई किसमें होना चाहिए, ये डिफरेंट ट्रेड है, इसमें आपका आईटीआई होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है आईटीआई के साथ इन्होंने क्या बोला है, एक एसएससीएल भी बोला है। इसको हम लोग बताते हैं कि क्या, देखते हैं क्या है कि कैंडिडेट शुड हैव द एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन इंडिकेटेड फॉर नोटिफाइड पोस्ट इन द सीईएन। जो आएगा उसमें आपका जो एलिजिबिलिटी होगा उसमें एग्जैक्टली दिया रहेगा और एनेक्सर में भी दिया रहेगा। बट इसे मैं एक एक चीज बताता हूं कि क्या है, ध्यान देना कि इसमें डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन लिए ऑफ कोर्स कंप्लीटेड। ये पिछली बार का दिया हुआ है, इस बार इन्होंने किया है, ये केवल किसके, टेक्नीशियन पद के लिए दिया हुआ था। तो बच्चे पिछली बार से इस बार से कंफ्यूज हो रहे हैं कि पिछली बार इंजीनियरिंग वाले नहीं थे, इस बार कैसे हो गए। इंजीनियरिंग वाले एएलपी में पहले भी थे, इस बार भी हैं, उसके लिए आप परेशान ना हो। एक एक चीज मैं बताता हूं कि कौन इसमें क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है, ये तो इस बार जो वैकेंसी आई है उसके लिए। अब आते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो एएलपी होता है बच्चों, इसके लिए अलग अलग, जैसे इलेक्ट्रिकल का होता है, मैकेनिकल का होता है, अलग अलग आपके क्या होते हैं, डिपार्टमेंट के लिए होते हैं। तो एएलपी जो आपका असिस्टेंट लोको पायलट है, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होता है। मेडिकल की एक अलग से वीडियो भी बनवा दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हो उसमें, और उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में ही दे दिया जाएगा लिंक जो है, ताकि आप पूरा ये A1 कैसे आपका A1 है, B1 है, B2 है, और जो आपका सी कैटेगरी का होता है, ये सारी कैटेगरी आप समझ जाओ। हालांकि एएलपी में आपका A1 मांगा है, क्या है वो आगे बता दिया जाएगा। इसमें आपको चाहिए क्या, इसमें आपका मैट्रिकुलेशन मतलब 10th चाहिए, या 10th के समकक्ष क्या होता है, एसएसएलसी होता है, ठीक है, 10th के समकक्ष ही माना जाता है, कई जगह ऐसा होता है। और इसके साथ आपका आईटीआई होना चाहिए, तो 10th के साथ आपका आईटीआई हो। आईटीआई कहां से होना चाहिए, एनसीबीटी या एससीबीटी होना चाहिए यहां से। और किस किस ट्रेड में होना चाहिए, आर्मेचर एंड कॉयल वाइंडर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, फिटर में, हीट इंजन में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, मशीनिस्ट में, मैकेनिक डीजल में, मैकेनिक मोटर व्हीकल में, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक में, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी में, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में, और ट्रैक्टर मैकेनिक और टर्नर और वायरमैन में। तो आपका 10th प्लस आईटीआई, या तो 10th के साथ आईटीआई हो और इन ट्रेड में हो तब आप भर सकते हो, या फिर अगर 10th के साथ आईटीआई नहीं है तो आप 10th किए हो और आपका क्या होना चाहिए, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, जिसे CCAA बोला जाता है, ठीक है, ये आईटीआई के समकक्ष होता है। तो 10th के साथ या एसएसएलसी के साथ आपका क्या होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए CCAA होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये भी अगर आपके पास नहीं है तो अगर आपने 3 साल डिप्लोमा किया, डिप्लोमा किसमें किया है, डिप्लोमा आपका मैकेनिकल से है या इलेक्ट्रिकल से है या इलेक्ट्रॉनिक से है या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से है, या फिर इनकी कोई कॉम्बिनेशन, जैसे आपको देखते हो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ाया जाता है, तो ये आप या तो इलेक्ट्रिकल या तो इलेक्ट्रॉनिक्स या तो ऑटोमोबाइल या फिर मैकेनिकल, या इनकी कॉम्बिनेशन से कोई जो आपका डिप्लोमा होता है उससे अगर आप हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। दीज इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन लिए ऑफ आईटीआई, आईटीआई की जगह पे अगर किसी इंस्टीट्यूट से आपने किया है तब आपका है। ये ध्यान देना, इन्होंने नोट लिखा है, डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज एवर विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल। इसमें क्या है, इसमें इंजीनियरिंग डिग्री भी अगर आपके इन ट्रेड से इंजीनियरिंग है या इसकी किसी कॉम्बिनेशन से इंजीनियरिंग है तो भी आप भर पाओगे। इसके अतिरिक्त जो आपका होता है दूसरा मैकेनिकल होता है एएलपी का, इसमें भी मेडिकल स्टैंडर्ड A1 ही मांगते हैं, इसमें भी आपका 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए, यही तमाम जो ट्रेड आपका पिछला था वही ट्रेड दिया हुआ है, या फिर आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, CCAA सर्टिफिकेट होना चाहिए, या 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कहने का मतलब दोनों चीजें यहां पे सेम है, तो आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों में ही अप्लाई कर सकते हो, आप अपने ट्रेड के अनुसार अप्लाई कर सकते हो। तो ध्यान देना, अब यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 12th वाले की तो जिक्र नहीं की गई, भाई अगर आप डिप्लोमा करोगे या इंजीनियरिंग करोगे तो वो 12th के बाद ही लिया जाता है,
तो जाहिर सी बात है जब डिप्लोमा या इंजीनियरिंग ले लिया गया तो आपका क्या हो गया, 12th हो गया। कई सारे डिप्लोमा 10th के बाद ही होते हैं, तो अगर कोई बच्चा 10th के बाद डिप्लोमा किया है तो भी भर सकता है, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि आपने डिप्लोमा किया हुआ है। तो अब आपके पास डिप्लोमा है, इसका मतलब सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, ITI वाले बच्चे, डिप्लोमा वाले बच्चे और इंजीनियरिंग वाले बच्चे ये इस फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं। इन शॉर्ट आप समझो 10, 12, इन सब चीजों को दिमाग से हटा दो। तो लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझा दिया हूं क्या है। अब ऐसे बच्चे जैसे कि यहाँ पे आगे चल के जब आपको मैं बताऊंगा कि प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसका सिलेबस वगैरह क्या है, तब मैं बताऊंगा कि आपका जैसे CBT 1 होता है सभी के लिए कॉमन होता है, CBT 2 जो होता है उसमें पार्ट ए पार्ट बी होता है, और उसके बाद क्या होता है तीसरा भी स्टेज होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, CBAT बोलते हैं। उस CBAT में आपको क्या होता है, जो पार्ट बी है आपका CBT 2 में, उसमें आपको ट्रेड लेना पड़ता है। ध्यान देना कि एक तो CBT 1 है कॉमन पेपर होता है, उसके बाद CBT 2 है जिसमें पार्ट ए पार्ट बी होता है, पार्ट ए कॉमन है, पार्ट बी ट्रेड के अनुसार होता है, ठीक है, ट्रेड के अनुसार, और वो ट्रेड आपको इनमें से लेना होता है। जैसे कोई बच्चा अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है या इसका कोई कॉम्बिनेशन लिया है तो वो कौन सा लेगा, उसके लिए ट्रेड कौन कौन सा हो सकता है, वो इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड ले सकता है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का ट्रेड ले सकता है, वायरमैन, वाइंडर, आर्मेचर, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक का ट्रेड ले सकता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशन आपने लिया है इलेक्ट्रॉनिक्स का या उसका कोई कॉम्बिनेशन, तो आप कौन कौन से ट्रेड चूज कर सकते हो, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक चूज कर सकते हो या फिर मैकेनिक रेडियो और TV यूज कर सकते हो। अगर मैकेनिकल से इंजीनियरिंग या डिप्लोमा है तब आप क्या चूज कर सकते हो, तब आप फिटर चूज कर सकते हो, मैकेनिक मोटर चूज कर सकते हो, ट्रैक्टर मैकेनिक यूज कर सकते हो, मैकेनिक डीजल, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर मैकेनिक जो होते हैं, हीट इंजन, मिल राइट मेंटेनेंस और मैकेनिक, इनमें आप क्या कर सकते हो, इन ट्रेड को यूज कर सकते हो। और अगर आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है या इनका कोई कॉम्बिनेशन है तब आप इन ट्रेड को ले सकते हो, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, इनमें से कोई आप ले सकते हो। अगर आपका केवल क्या है 12th है और 12th में PCM आपने लिया हुआ है, इस हिसाब से HSC हायर यहां पे बोला जाए तो 10+2 मतलब कि 12th में फिजिक्स और मैथ अगर आपने लिया हुआ है, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि सीधा क्या होते हैं 10th के बाद डिप्लोमा कर लेते हैं, बट अगर आपने 12th में क्या लिया हुआ है, फिजिक्स और मैथ लिया हुआ है, आप 12th लगा रहे हो उसके बाद डिप्लोमा लगा रहे हो या इंजीनियरिंग लगा रहे हो, तो आप इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक और वायरमैन भी ले सकते हो, ध्यान देना। लेकिन ये तब के लिए था जब टेक्नीशियन का था, वहां पे 12th वाला दिया हुआ था। ALP में आपका जो होगा वो मेन यही चार होगा, तो आपको इन चारों पे केवल फोकस करना है। बात समझ में, टेक्नीशियन की वैकेंसी इस बार नहीं है, आगे क्या होगा इसका पता नहीं है। अब आते हैं एज में 18 से 30 है, एज रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा, तो यहां पे जैसे केंद्र सरकार हमेशा SC ST को 5 साल की देती है, जो OBC होते हैं, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर, उनको 3 साल देती है, अगर भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने अनुक्रमण के पश्चात 6 माह से अधिक की सेवा की है तो उनको भी 3 साल दिया जाएगा, अगर कोई PWD दिव्यांग व्यक्ति है सामान्य से 10 साल, अगर दिव्यांग व्यक्ति OBC नॉन क्रीमी लेयर से है तो 13 साल, अगर दिव्यांग व्यक्ति SC से है तो उसे 15 साल। यही नहीं, ऐसा उम्मीदवार जो जम्मू कश्मीर राज्य की सामान्य निवासी हो कब से 80 से लेके 89 तक तो उसे 5 साल, और रेलवे का कोई कर्मचारी हो किसी भी वर्ग में तो 40 साल, 43 साल, 45 साल, अनरिजर्व OBC और SC ST में क्रमशः। अगर रेलवे संस्थान के अर्ध प्रशासनिक कार्यालय में कोई किया हुआ है तो उसे 5 साल जो भी मिलेगा, उसके बाद अगर कोई ऐसी औरत जो विधवा है, तलाकशुदा है, पति के न्यायिक रूप से अलग ज्यूडिशली जो सेपरेटेड है उसे अनारक्षित को 35 साल, अन्य पिछला को 38 साल, ये पिछले साल है, ये पिछली बार का है। अब ध्यान देना क्योंकि इस बार क्या है, ये रिलैक्सेशन है, ये क्या है, ये रिलैक्सेशन है, तो ये 35 साल में हो सकता है बढ़ाएं, बट हो सकता है कि यही रखें 35 रहे, अब जो मेन है वो 30 साल है, बट जो ये रिलैक्सेशन है अप टू क्योंकि दिया है तो शायद इसमें चेंज ना करें, ये पिछली बार का इस बार का क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। बाकी उम्मीदवार जो 25 वर्ष आयु से पहले अप्रेंटिस अधिनियम के तहत एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स पूरा किए हैं उनको भी आपका 35-38 क्रमशः 40 साल का आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ध्यान देना बच्चों कि अगर आपको आपको ये ALP का फॉर्म भरना है तो आप 10th के साथ ITI हो या फिर डिप्लोमा हो या फिर इंजीनियरिंग हो, आप 18 से 30 साल के बीच में हो, ट्रेड मैंने आपको बता दिया है, और
अब आप यहां पे इस चीज को देख के कि आप किस में हो, बाकी मेडिकल सर्टिफिकेशन A1 होना चाहिए जिसमें डिस्टेंट विजन 6x6 विदाउट ग्लासेस, फॉगिंग टेस्ट मस्ट नॉट एक्सेप्ट +2 अडेप्टर का होना चाहिए, नियर विजन क्या होना चाहिए 0.6 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, और मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनाकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन एटसेट्रा। मैं आपको यहां पर जानकारी के लिए बता दूं कि आपका क्या होता है कि जब आपका तीसरा स्टेज होता है CBAT ALP के लिए, केवल टेक्नीशियन तो है नहीं तो मैं केवल ALP की बात कर रहा हूं, इसमें जो आपका CBAT स्टेज होता है बच्चों, CBAT स्टेज में आपको एक क्या बनाना पड़ता है, प्रोफार्मा बनाना पड़ता है, वो मैं शायद अगर यहां पे हो तो मैं आपको दिखा दूं, वो प्रोफार्मा अगर हो तो वो प्रोफार्मा आपको बनवाना पड़ेगा, और अगर वो नहीं बनवाओगे तो आप क्या हो जाएगा, आपको CBAT देना ही नहीं, मतलब तीसरे स्टेज में जा ही नहीं पाओगे। तो ये वो रहेगा मेडिकल के लिए, यहां पे आपको जाना होगा अपने जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या वहां से जाके ये प्रोफार्मा आपको बनाना होगा, जो मैं आप मेडिकल वाले वीडियो आएगी उसमें आपको ये अच्छे से जिक्र कर दिया जाएगा, ये आपका चाहिए ही चाहिए, बिना इसके आप CBAT का पेपर नहीं दे पाओगे। तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वरना ये वीडियो लंबी हो जाएगी। इन शॉर्ट आपको बता दूं, 3 स्टेज का पेपर होता है, CBT 1 होता है, CBT 2 होता है और Stage 3 होता है। CBT 1 में जो होता है आपका 75 क्वेश्चन होता है और आपका 1 घंटे का पेपर होता है, लगभग उसमें मैथ्स रीजनिंग और जीएस के, मैथ्स रीजनिंग के 25, मैथ्स के 20, और ऐसे ही जो आपके जीएस के हैं वो 10 क्वेश्चन, बाकी 20 क्वेश्चन साइंस के होते हैं। जो आपका Stage 2 होता है उसमें पार्ट ए पार्ट बी होता है, पार्ट ए एस जैसे कि आपका CBT 1 होता है लगभग वैसे ही होता है, एक दो पार्ट उसमें थोड़ा सा अलग होता है, बाकी सब कुछ सेम है। पार्ट बी आपका ट्रेड, जो मैं अभी आपको ट्रेड बता रहा था, इससे क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन थोड़े से पेचीदे होते हैं, बट अच्छी बात ये कि इनका मार्क्स इवेल्युएट नहीं किया जाता, ना ही CBT 1 का मार्क्स इवेल्युएट किया जाएगा, ना ही CBT 2 के पार्ट 2 का किया जाएगा, केवल मार्क्स आपका कहां से, सिलेक्शन किस पे होगा, सिलेक्शन आपका CBT के पार्ट ए से, CBT के पार्ट ए से, यहां से 75% का वेटेज बनेगा, यहां से 75% का वेटेज बनेगा CBT के पार्ट ए से, और जो थर्ड स्टेज होगा यानी CBAT होगा, CBAT जो आपका होगा यहां से आपका 25%, यहां से आपका, हाँ तो ये आप देख लीजिएगा, इन दोनों के आपसे इसको से आपका बनेगा, बाकी मैं आपको सिलेक्शन प्रोसीजर की एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद है यहां से आपको एलिजिबल हो कि नहीं हो, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हो बच्चों तो आप कोर्स से अभी भी जुड़ सकते हो, बिल्कुल अभी कोर्स एकदम लॉन्च कर दिया गया है, इसकी जो क्लासेस हैं वो शीघ्र ही चालू भी हो जाएंगी। अभी ऑफर में ये आपको 499 में मिल रहा है, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से जुड़ सकते हो, या हमारी वेबसाइट live.parikshaplus.org पे जा सकते हो, जिसकी लिंक, ऐप की भी लिंक और आपके वेबसाइट की भी लिंक दोनों ही डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके जुड़ सकते हो मिनिमम प्राइस में, जहाँ पे अन्य संस्थाएं 1000, 1500 और 900, 800 रुपए फीस लगा रही है, मिनिमम में आपको 499 में CBT 1, CBT 2 और इवन CBT 3 भी, मतलब बोल सकते हो कि CBAT जो आपका पेपर होगा उसमें भी आपको पूरी मदद की जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।